ये जो एरिया है ना दुबई का सबसे पुराना एरिया है। क्योंकि साथ में एयरपोर्ट है जिसकी वजह से यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे। ज़्यादातर यहाँ कम्युनिटी अपनी पाकिस्तानी है। इसको होरोलैंड्स कहते हैं, होरोलैंड्स, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्हें इसका नाम किसी ने हवर लॉन्च रख दिया, किसी ने हॉर लॉन्च रख दिया, किसी ने क्या, किसी ने। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ वगैरह रिपेयरिंग सस्ते में हो जाएंगी। ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ बन रही हैं। हर दो मिनट बाद यहाँ से फ्लाइट। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी, इंडियंस, ये देखें खैर दरबार। ये चाय वाले की चाय बहुत मशहूर है यहाँ पे, जो भी आता है यहाँ से चाय समोसा लेके जाता है। तकरीबन यहाँ पे कम्युनिटी अपनी पाकिस्तानी और इंडियंस हैं। ये माशाल्लाह मस्जिद है यहाँ पे। ये हमारे खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है? रोटी है खान साहब? ये तो बना पड़ा है ना, अभी नया फ्रेश कब बनेगा? ये खान साहब रोटी बना रहे हैं, बड़ा बड़ा रोटी। खान साहब कितना बड़ा रोटी बनाता है? यहाँ पे पठानों का ये बिजनेस भाई कमाल का है। ये देखो मोची का शॉप भी है। खान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कंबल है खान साहब? कंबल तो कंटेनर है कंबल का। इतना कंबल रखा हुआ है खान साहब अंदर, अच्छा वाला है? शुक्रिया खान साहब। पठान यहाँ पे कंबल वगैरह, जूते, सब काम करते हैं यहाँ पे। ये पूरा होरोलैंड्स है। यहाँ पे समोसा, चाय, पराठा, मलबारियों ने यहाँ पे एक दरहम की चाय लगाई हुई है, और हमारे दुबई में जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो इसके आदि हो चुके हैं। एक दरहम की चाय, एक दरहम का पराठा, साथ में समोसा। आज छुट्टी का दिन है तो ये सब लोग बाहर ज़्यादा निकले हुए हैं। पार्किंग भी फ्री है इसलिए पार्किंग ये फुल हैं आज। ये देखें पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस होरोलैंड्स में रहते होंगे, वो वीडियो मेरी देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे यहाँ मैं रहता था, यहाँ मैं रहता था। आज मौसम काफ़ी अच्छा है।
ये देखो एक और आ गया पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हरियाणा। एक और पठान आ गया रोटी वाला। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। इधर जूतियों का मार्केट देखते हैं कितने में लगा है। चालीस दरम, तीस दरम। खान साहब ये कितने के? खान ये कितने के? पांच दिरहम का वॉलेट। अस्सलाम वालेकुम। तो पूरा पाकिस्तान में जैसे जूते का दुकान होता है वैसा है। जुम्मा वाले दिन लोग बाहर बैठते हैं ऐसे। ये देखें बहुत गुस्से में खड़ा है बंदा। एक और रेस्टोरेंट आ गया पाकिस्तानी सामने, मुबारक सलीम रेस्टोरेंट, उसके बाद पिशावरी रेस्टोरेंट। यहाँ पे कटिंग शेव सिर्फ और सिर्फ 5 दरम, क्योंकि सस्ता एरिया ज़्यादा, ये सस्ता भी है। ये देखो बैग। एक और पाकिस्तानी अब्दुल रऊफ स्वीट्स। अस्सलाम वालेकुम। कितनी टॉफी है ये, यहाँ से किलो के हिसाब से आप लोग जो पाकिस्तान इंडिया भेजते हैं ना वो यहाँ से मिलता है। ये होरलैंड का जो है ना फेमस रेस्टोरेंट है ईगल। बारबेक्यू हो रहा है यहाँ देखें, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? कैसे है? यहाँ पे बारबेक्यू के लिए मशहूर है ये रेस्टोरेंट। वीडियो भरे ना बदी उस्ताद।
ये कौन सा है? ये भी पाकिस्तानी है, हैदराबादी है, हैदराबादी रेस्टोरेंट। शाम का टाइम है 4:30 का, वहाँ पे कोई खान साहब नीचे बैठ के जूते सेल कर रहा है। जब मैं दुबई आया था ना पहली बार, तो इसी एरिया में रहता था। ये बहुत अच्छा एरिया है, खाने के हिसाब से, रहने के हिसाब से सस्ता और टिकाऊ खाना मिलता है, और लोग भी आपको अपने मिलेंगे, पाकिस्तानी इंडियन। क्योंकि कुछ लोग नए नए आते हैं यूएई में विजिट वीज़े पे आके, वो फिर कहीं ऐसी जगहों पे जाके रहते हैं जहाँ पे उनको हर 2 मिनट बाद फ्लाइट। दिरहम, ये दुबई का लंडा है, 15 दिरहम, 10 दिरहम। दस दरम, 15 दरम, 60 दरम। ये मेरे वाला स्कूटर, बंदे को मैंने कहाँ देखा है? इस बंदे को मैं जानता हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ देखा यार। चलो, ये होरोलैंड का आपको मेन एरिया दिखा दिया है, और बाकी रहने के लिए जो है ना, ये अंदर गलियों में जाएं रहने के लिए, अंदर आपको पार्टीशन बेड स्पेस 200-250 में मिल जाएगी सस्ती। कसाई की दुकान, यहाँ पे जितने पाकिस्तानी इंडियन जुम्मा वाले दिन मैच खेलते हैं। रश चेक करें, ये देखें, जैसे हमारा वहाँ पे पाकिस्तान में स्कूलों में नहीं होता, तो यहाँ पे स्कूल बने हुए हैं, हर किसी ने अपनी लगाई हुई है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब? पाकिस्तान कहाँ से हैं आप? सराइकी है? चलो, सराइकी वीरा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह।
उस साइड पे भी ये लोग खेल रहे हैं। ये देखो जुम्मा का दिन है ना, एक लोग एक दूसरे को मिलने के लिए आते हैं। अब ये कोई उनसे मिलने आए होंगे, ये देखें छुट्टी होती है तो ये लोग बैठ के आपस में ऐसे देखे, ये बैठे हुए हैं, चाय लेंगे, गांव के हाल वाल, अपने शहरों के हाल वाल, पूरा भरा पड़ा है भाई। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा आप लोगों को दुबई का हौरलान दिखा दूं। चलो अब जहाँ मैं जा रहा हूँ मैं वहाँ जाता हूँ। तो आप लोगों ने जिसने वीडियो को एंड तक देखा है थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मैं कहीं से टैक्सी देखता हूँ और जाता हूँ।